टीम आती थी, शायद वो इसमें आते रिलेट हो जाएंगे। प्लेयर्स की साइड से भी हमें फर्दर लेकिन कोई भी जो नुकसान है वो इस तबादले के दौरान हमें यहाँ पे होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। वही के वही रहने वाले वाणी को नहीं हो रहा है ज्यादा सर्कल की। अगर हम बात करें तो किसी के पास ज्यादा खास सर्कल यहाँ पे रहने भी नहीं वाला है, सिर्फ 10 मीटर टीम को जाना है जो कि आई बिलीव यहाँ पर अभी भी पॉसिबल है। बिल्कुल, और काफ़ी देर से ये फाइट दोनों के दरमियान होते हुए नज़र आ रही थी जो अभी भी चल रही है। दोनों के दोनों स्क्वाड सुकून से बैठे हुए हैं, दोनों के स्क्वाड होल्ड कर रहे हैं, एक लो ग्राउंड के ऊपर एक हाई ग्राउंड के ऊपर रहने वाला है। शमी भी थोड़ा सा राइट साइड से आना चाहते हैं, बट ये वो वाली फाइट है जिसमें टीम फाइट कम और मेरे ख्याल में इंडिविजुअल फाइट हमें ज़्यादा होती हुई नजर आएंगी। कौन से वो प्लेयर्स हैं जो एक दूसरे को नॉक करेंगे, बिकॉज वही वाली बात है, चारों इकट्ठे भी नहीं मौजूद एक लाइन के अंदर, चारों की दोनों टीम्स के यहाँ पर प्लेयर्स डिस्पर्स रहने वाले हैं। तो वही सवाल रहता है किस तरफ आप थोड़ा सा अपने लिए एक 1v1 जीतते हुए नजर आएंगे। जो सी टीम अपने 1v1 ज्यादा जीतेगी वही एलिमिनेट होते हुए नजर आएगी, और वही बात है कि लॉन्ग डिस्टेंस फाइट होती हुई नजर आ रही है। सातवां सर्कल भी आ चुका है, आठवां सर्कल भी आने वाला है कुछ ही देर के अंदर, और टीम्स अभी भी कुछ अग्रेसिव नहीं होना चाहती। दोनों दोनों टीम्स के पास एक बहुत अच्छा चांस रहता है कि चिकन लेके जाए, 50-50% चांस है, यूटिलिटी भी अच्छी है। बट वहीं पर फाइनली एक ब्रेक थ्रू मिलता है टीम मीटर शॉट एक्स का, जहां पर गोकू को नेट से नॉक किया जाता है। क्यू आर के सीरियस अभी भी लेटे हुए मीटर शॉट एक्स का, इसके बाद थोड़ा सा अग्रेसिव भी होना चाहती है, नेट्स वगैरह फेंकने हुए नजर आ रहे, यूटिलिटी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और थोड़ी सी मजबूरी भी बन चुकी है बिकॉज ब्लू उनके बिल्कुल पीछे आ चुके। जेडी की भी एचपी कम कर दी जाती है और खतीर यहां पे आउट इन दी ओपन, थोड़े से ब्लाइंड शॉट्स मारते हैं लेकिन वहां पे कोई भी प्लेयर नहीं मौजूद। गोकू यहां पे चलते चलते जेडी के पास जरूर आ रहे हैं लेकिन वहीं पे स्पार्क को स्पॉट कर लीजिए, टीम के साथ नॉक किया जाएगा। एंड दे आर ऑन द वे टू अ गुड कमबैक, अ बैक टू बैक चिकन डिनर के लिए वो भरते हुए नजर आ रहे हैं। सीरियस भी यहां पे यूटिलिटी का इस्तेमाल करते हैं लेकिन 2v4 मीटर शॉट एक्सकाई के पास बहुत ज्यादा चांस बन चुका है यहां पे चिकन डिनर लेने का, लेकिन आप अपने प्लेयर को रिवाइव करें। हेल्सी यहां पे गाड़ी लेके आते हैं, बिल्कुल करीब जाके पार्क कर देते हैं, वही भी शॉट्स लैंड करते हैं लेकिन सीरियस उनको नॉक कर दिया जाएगा। सीरियस की एचपी भी कम कर दी जाएगी। अब मीटर शॉट एक्स को अच्छे तरीके से पता है कहां पे प्लेयर मौजूद है, सीरियस को भी नॉक कर देंगे। अब एक ही प्लेयर रह चुका है जिसे तो शॉट्स लैंड की जाती है, जेडी उनको नॉक जरूर करते हैं लेकिन अभी भी इट्स अ 1v2। कैन जेडी पुल इट ऑफ, और क्या जेडी को पुल ऑफ करना सबसे बड़ा मसला है, उनकी पोजीशन का भी पता है मीटर शॉट एक्स को। और अब वहां पे जेडी को स्पॉट कर लिया जाएगा, शॉट्स लैंड की जाएंगी और टीम मीटर शॉट एक्स यहां पे विनर चिकन डिनर बैक टू बैक लेके जाएगी। तो जहां पे एक मैं कहता हूं मोस्ट अवेटेड चिकन डिनर की बात की थी, ये किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि इतनी उम्दा परफॉर्मेंसेस बैक टू बैक एंगल के मैप के ऊपर हमें मीटर शॉट एक्स का देते हुए नजर आएगी। जी हाँ बिल्कुल, और मीटर शॉट एक्स का एक स्क्वाड जहाँ पर उन्होंने पहले मल्टीप्लाई में 1 किया विनर विनर चिकन डिनर को, फॉरेस्ट टीम मल्टीप्लाई में 2 भी कर देती है, और अभी सेकंड विनर विनर चिकन डिनर, सेकंड कंसेक्यूटिव विनर विनर चिकन डिनर पैक टीम मैग्नेटी स्पोर्ट्स के बाद डे 2 के बाद डे 2 के ऊपर, उसके बाद